हेलो दोस्तों, इंफ्रा मटेरियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इंफ्रा मटेरियल आ चुका है अपने एक नए वीडियो के अपडेट के साथ, और आज का हमारा वीडियो होने वाला है गाजीपुर घाट स्टेशन से। और अभी हम लोग जो है गाजीपुर घाट का जो नया जंक्शन बन रहा है वहाँ पे हम लोग खड़े हैं, और वहाँ से हम जो है आपको अपडेट देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको लास्ट एक से डेढ़ महीने तक कोई अपडेट गाजीपुर घाट से नहीं मिला था। आज एक डेढ़ महीने बाद हम लोग वीडियो बनाने आए हुए हैं गाजीपुर घाट स्टेशन पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लाइन नंबर 3 पे जो है अभी भी ट्रेन का संचालन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है टोटल 3 प्लेटफॉर्म होने वाले हैं और 5 लाइन होने वाली हैं। 3 प्लेटफॉर्म और 5 लाइन होने वाली हैं, जिसमें से लाइन नंबर 3 जो है वो पुरानी लाइन है, और अभी जहाँ पर खड़े होकर हम लोग वीडियो की शूटिंग कर रहे हैं ये लाइन नंबर 4 है, जिसके ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर स्लीपर लेन का भी कार्य हो रहा है। आप लोग देखिए, ये सामने देखिए लाइन नंबर 4 पे स्लीपर लेइंग का कार्य हो रहा है। इधर हमारा जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 बन चुका है, और बगल में देखिए इसके ड्रेन का भी कार्य यहाँ पे हो ही चुका है, क्योंकि यहाँ पे केवल ट्रैक लिंकिंग का कार्य ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख ही पा रहे हैं कितने स्लीपर, लगभग 400 से 500 मीटर जो है यहाँ पर स्लीपर का लिंक हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जब यहाँ से ट्रेन चली गई और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये बगल में ही आप देखिए नया जो है स्टेशन बिल्डिंग बगल में है, और जो है स्लीपर हम लोग देख रहे हैं लगभग जो है 300 से 400 मीटर स्लीपर लेन का कार्य हो गया है। इसके बगल में हमारा जो है प्लेटफॉर्म का भी कार्य हो चुका है, ड्रेन का भी कार्य यहाँ पर हो ही चुका है। और ये देखिए यहाँ पर हमारे जो है ड्रेन के बगल में जो हमारा ट्रैक है लाइन नंबर 3, इसके बगल में देखिए स्टेशन बिल्डिंग का, देखिए यहाँ पर लुक जो है अब जो है आने लगा है कि हाँ स्टेशन बिल्डिंग का क्या लुक होगा। तो आज के वीडियो में हम आपको अपडेट देने वाले हैं ट्रैक से रिलेटेड कि यहाँ पे क्या क्या ट्रैक में कार्य हो चुका है, और भी स्टेशन बिल्डिंग के सराउंडिंग में क्या क्या कार्य हो चुका है, और इस अपने अगले वीडियो में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है गाजीपुर घाट से ही लेके आएंगे। अभी आप लोग देखिए हम थोड़ा जो है ट्रैक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हम लोग जो है ट्रैक नंबर 3 पे हैं। इधर आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए प्लेटफॉर्म में जो है अर्थवर्क का भी कार्य चल रहा है और रोलिंग का भी कार्य जो है साथ साथ में चल रहा है। आप देखिए यहाँ पे रोलर का जो है पूरा रोलिंग किया जा रहा है, बेड को बनाया जा रहा है, प्रॉपर कंपैक्शन किया जा रहा है। और इधर देखिए स्टेशन बिल्डिंग हो गया अपना जो है, ये लगभग 60 मीटर लंबा जो है स्टेशन बिल्डिंग है। और ये देखिए यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म जो है 2 और 3 जो है बन चुका है, और जिस पर हम लोग वॉक कर रहे हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं लाइन नंबर 3 है। और बगल में यहाँ पे देखिए स्लीपर के साथ साथ जो है रेल का भी लेइंग हो चुका है, लेकिन रेल जो है अभी स्लीपर के ऊपर नहीं फिक्सिंग की गई है, जल्द ही यहाँ पे रेल भी जो है स्लीपर के ऊपर फिक्स कर दिया जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे जो है लाइन नंबर 1 और 2 का जो है अभी भी कार्य चल रहा है वहाँ पर पहुँचेंगे, और थोड़ा नज़दीक से आपको बताएँगे लाइन नंबर 1 और 2, उसके बगल में प्लेटफॉर्म, फिर स्टेशन बिल्डिंग। बहुत सारा कार्य जो है अभी तक गाजीपुर घाट स्टेशन पर हो चुका है, लगभग आने वाले एक साल के अंदर जो है गाजीपुर घाट स्टेशन जो है जो अपना पुराना स्टेशन से अगर उसे कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, लगभग 200 मीटर और आगे आ चुके हैं। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए सफ़ेद सफ़ेद जो चादर बिछ रही है इसको हम लोग जियो टेक्सटाइल बोलते हैं। ये जो जियो टेक्सटाइल है इसको हम लोग ब्लैंकेट डालने से अर्थ के ऊपर डाला जाता है, मतलब हमारी जो सॉइल की फीलिंग होती है उसके ऊपर जियो टेक्सटाइल डाला जाता है। इसके बाद जो है इसके ऊपर जो है ब्लैंकेट का जो है लेइंग चल रहा है। ब्लैंकेट हमारा ब्लास्ट के नीचे डाला जाता है, जिससे हमारी रेल की स्पीड जो है वो इंक्रीज की जा सके, स्टेबिलिटी इंक्रीज जा सके, जिससे जो है रेल में जो हमारी जर्किंग आती है मूवमेंट करने पे, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इम्प्रूव की जा सके, जिसकी वजह से जो है ये सारी मतलब क्योंकि पहले जो हमारे ट्रेन का संचालन होता था वो लगभग 70 से 80 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से होता था, अब जो है यही संचालन लगभग 100 से 150 की स्पीड में किया जाए। तो हाई मतलब स्पीड को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई, जो कि पहले नहीं किया जाता, लेकिन अब जो हमारा ट्रैक का निर्माण होता है, कोई भी ट्रैक का निर्माण होता है उसके नीचे ब्लैंकेट डाला ही जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रैक 1 और 2 का भी कार्य चला। अभी हम लोग चलने वाले हैं स्टेशन बिल्डिंग के पीछे साइड में, फ्रंट से तो हमने आपको बता ही दिया है, तो चलते हैं स्टेशन बिल्डिंग के पीछे साइड में। ये देखिए हम लोग स्टेशन बिल्डिंग के पीछे साइड में आप आ चुके हैं, एकदम पीछे की तरफ जो है ये है स्टेशन बिल्डिंग का पीछे, मतलब पीछे की साइड अगर हम लोग बोलें ट्रैक से तो पीछे ही साइड है, लेकिन जो है
ये जो है अपना जो है सर्विस रोड, ये देखिए जो सर्विस रोड है इसकी PQC है, मतलब सर्विस रोड से फ्रंट साइड है, मतलब हमारा एंट्रेंस जो है इधर से ही होने वाला है। ये गाजीपुर घाट का सर्विस रोड है, लगभग 500 मीटर तो सर्विस रोड यहाँ पे बनाया जा चुका है। और भी सर्विस रोड का देखिए आप, यहाँ पे PQC किया जा रहा है और क्यूरिंग भी प्रॉपर यहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों, अगर इंफ्रा मटेरियल यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे गाजीपुर के प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको हर एक जानकारी सबसे पहले मिले। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है जहाँ पे PQC हो रहा है, इससे पहले देखिए कैसे क्यूरिंग का अरेंजमेंट किया गया है, जिससे रोड की जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर बनी रहे। तो काम की क्वालिटी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बढ़िया जो है यहाँ पे काम की क्वालिटी दी जा रही है, और काम की क्वालिटी आपको देखने से पता चल, क्योंकि देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं इसी वजह से कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिले होता है, प्लस टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंस्ट्रक्शन करने में, ये एक दिन का काम नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे हैं लगभग 2 महीने के अंदर जो है ये बिल्डिंग जो है बन के तैयार हो गई है। तो दोस्तों, इंफ्रामेटेरियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि अपना अगला वीडियो गाजीपुर घाट का स्टेशन बिल्डिंग से होने वाला है। स्टेशन बिल्डिंग के अंदर चल के आपको पूरा स्टेशन बिल्डिंग का नज़ारा दिखाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।